तो आफ्टर मीटिंग मीटिंग खत्म राम प्यारी से निकल रहे हैं अभी और एक जगह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए इसको, देखिए 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 कहाँ कुछ आ गया, मंकी कैप लगा के गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोलता है। देखिए अभी उठ गया सुबह सुबह, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे, धूप है बट बहुत तेज हवा चल रही है। उठना नहीं बिटवा, मैं तो तुम 6 बजे मैं उठ के कुछ काम था बाहर से करके आ भी गया और फिर कुछ काम करके फिर कहीं जाना भी है। 6 बजे उठा है, 6 बजे चल रहा है, ठंड था तुम बोला अपना आप उठूंगा तो नहीं उठा तुम समझे। चेहरा तो दिखाओ, इधर चेहरा दिखाओ ना, दिखाओ ना ले चलो उठ जाओ फटाफट, फ्रेश हो जाओ ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर आपसे, जा रहे हैं अभी फ्रेश होने, फ्रेश भी नहीं हुए अभी तो, ब्रश व्रश करना है, सब कुछ करना है, चाय वाय पियेंगे अपना सुबह सुबह का लेमन टी, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हो चुका है और ऑलरेडी मैं रेडी हो चुका हूँ। ये देखिए निकल रहे हैं थोड़ा बाहर, वहाँ दिनेश भाई भी पहुँच रहा है, उधर कहीं गया हुआ है, उधर से पहुँच रहा है, कहीं हमारा कुछ मीटिंग वगैरह है तो चलते हैं। ठंड काफ़ी है, टोपी ओपी लगा के जाना पड़ रहा है जबकि बाहर धूप निकला हुआ है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है, एकदम कनकनी वाला हवा है, शीतलहरी जिसको बोलते हैं एकदम। तो जाते हैं देखते हैं, वापस भी आना है, फिर और कुछ काम है घर में, फिर खाने वाने का भी ऑर्डर है। तो अभी बज रहा है 11, तो फटाफट निकलते हैं फिर आपसे मिलेंगे। पार्लू का पढ़ाई भी चल रहा है, लाइट ऑफ कर दिए, पढ़ाई चल रहा है, क्लास हो रहा है, हो गया ब्रेकफास्ट हमारा, वहाँ कभी ब्रेकफास्ट हो गया है। क्या खोज बेटा, वहाँ देखो वहाँ वो है, देखो तो वो है, आते हैं बेटा हम ठीक है बाबू, ये देखो बाय, इसका पढ़ाई चल रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय बेटा बाय, आ रहे हैं हम, अगर बाहर मौका मिला तो ब्लॉग करेंगे, नहीं तो वहाँ किसी ऑफिस में जाना है तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स दिनेश मिल गया है, अब यहाँ से हम दोनों को जाना है कहीं साथ में, जो कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोन तो अलाउ है बट शूट नहीं कर सकते वहाँ, तो मिलेंगे उसके बाद। अभी चलते हैं, फिलहाल अपना जो काम है वो ख़त्म करते हैं, फिर इसको अपने मंजिल, हमें अपने मंजिल बहुत सारा काम है, तो फटाफट चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अभी भी घर पहुँचे हैं, सब वहाँ का तो एक जगह का काम निपट गया है, और देखिए मैडम क्या बना के रखी है, मामा फिश करी जो कि है ऑर्डर का, तो वो डिलीवर करना है, फिर निकलना है, तो फिर जाएंगे दिनेश के घर पे, फिर उसके साथ वहाँ से जाना है और एक दो जगह, तो पता चलेगा आपको। एक जगह जो मीटिंग था, जैसा कि आपको बताया कि अंदर में शूट नहीं कर पा, मतलब नहीं कर सकते थे इसलिए आपको नहीं दिखाया, तो वहाँ से फिर फटाफट घर पहुँचे, अराउंड यहाँ से 15 किलोमीटर दूर गए थे, मतलब अप एंड डाउन 30 किलोमीटर ऑलरेडी स्कूटी चला ली है, अभी और कितना चलाना है पता नहीं है। तो फटाफट मामा रेडी कर दिए ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं, और एक दो जगह जाना है, तो ऑलमोस्ट हमको जानती है लगता है 100 किलोमीटर स्कूटी हो जाएगा मेरा चलाना। मैं तो घर के काम में ही लगी हुई हूँ। हाँ तो तुम ही चले तुम्हारा काम कर लेते हैं, मेरा काम तुम कर लो। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पे बने रहिए और देखिए, जहाँ शूट कर सकते हैं वहाँ करेंगे, जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ नहीं करेंगे, तो मिलते हैं फिर आपसे। तो फ्रेंड्स हमारा दिनेश का नेक्स्ट विजिट है पारस हॉस्पिटल, ये देखिए पीछे, तो यहाँ अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं एकदम क्विक ब्रेक के बाद, फटाकेदार जो ब्रेक बोलते हैं ना, फटाकेदार ब्रेक के बाद यहाँ आए हैं, तो यहाँ मिलते हैं, अपने ही लोग हैं, यहाँ भी कुछ काम है, मीटिंग है, तो फटाक से मिलते हैं यहाँ, फिर नेक्स्ट प्लेस की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी मस्त हो गया बताइए, आपको पहले ब्लॉग में भी दिखाया है, यहाँ मेरा एक्चुअली जन्म हुआ है इस हॉस्पिटल में, और उस समय ये हॉस्पिटल का नाम हुआ करता था HEC हॉस्पिटल, और अब ये चला गया पारस में, ये हो गया पारस हॉस्पिटल। तो हमारे सीनियर, देखिए हमारे सीनियर आ रहे हैं, तो इन्हीं से मुलाकात करने आए हैं, तो हाय बोल दीजिए सर, तो बस मिलते हैं इनसे फिर आपसे मिलते हैं हम। तो आफ्टर मीटिंग मीटिंग ख़त्म, राम प्यारी से निकल रहे हैं अभी और एक जगह,
तो चलते हैं दिनेश और हम। भाई साहब 40 साल हो गया इस हॉस्पिटल, जन्म यही हुआ था, बताओ तुम्हारा भी ना, बताओ दोनों का, हम लोग का जन्म स्थल यही हॉस्पिटल है। दोनों का कैसे, हम लोग का तो सब तीनों भाई बहन का यहाँ होगा। नहीं नहीं मतलब हम दोनों साथ में जा रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, हम दोनों साथ में जा रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। काफ़ी ठंड हो रही है तो सोच रहा हूँ अपना रेगुलर चाइनीज शॉप से चिकन सूप लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा चिकन सूप ले लेते हैं पाडलू बेटू डुगू बेटू के लिए। और बस अब पहुँचने वाले घर, तो गर्मा गर्म सब चिकन सूप पियेंगे घर पे जाके। ये देखिए मैं हमारा शॉप है जो आप पहले भी ब्लॉग में देखे होंगे, हमारा चाइनीज शॉप। तो फटाफट पैक कराते हैं, चलते हैं घर। फ्रेंड्स ये भी आ गए हैं घर पे, सूप लेके आए थे तो सूप हमने पी लिया है गर्मा गर्म। और डुगू भी सो के उठ गया है, देखिए क्या कर रहा है। डुगू का दूध रखा हुआ है, ब्रेड टोस्ट रखा हुआ है। बेटा जल्दी जल्दी दूध पियो, ब्रेड टोस्ट खाओ और फिर उसके बाद क्या पढ़ाई करना है, अच्छे से रिविजन करना है। और ये रे सोनू, ये भी आ गए हैं। मस्त गर्मा गर्म सूप आपको दिखा था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सूप लाए, सूप हमने पी लिया गर्मा गर्म। बस अब थोड़ी देर में डिनर करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। बाय, गुड नाइट।